अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में चला हम लोग बात करेंगे अबाउट द एडमिशन इन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से दो बातें करना चाहता हूँ। पहली तो ये कि आप लोगों का जो KMU का टेस्ट है वो डिले हो चुका है, ठीक है। पहले 11th of September को था, लेकिन अब वो टेस्ट जो है वो आपका 11th of September को होगा। दूसरी बात यह कि कुछ लोग हैं लाइक जो मेरी वॉइस को छुपा कर, चुरा कर और अपनी वीडियोस में यूज़ करके, ठीक है, कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लाइक लोगों को ये बता रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं उस बारे में और तो इतना कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना बोलना चाहूँगा कि वो जो वॉइस उस बंदे ने जो है वो यूज़ की हैं अपनी वीडियोज़ में, जो कि मेरी वॉइस थी, ठीक है। तो वो बेसिकली ये जो टेस्ट की डेट आप लोगों की डिले हुई है ना, इससे 5-7 दिन पहले की थी वो वॉइस, ठीक है। और उस बंदे ने अभी वो वॉइस जो है वो उठाई हैं और अभी वो उन पर वीडियोज़ बनाकर कहता है कि लाइक ये गलत गाइड कर रहा है या मिस गाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को। तो मैं जस्ट सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो जो वॉइस थी वो डेट एक्सटेंड होने से 5 से 7 दिन पहले की वॉइस हैं, ठीक है। डेट उन और उसके बाद जो है वो एक्सटेंड हुई है, ठीक है, अभी 1-2 दिन पहले एक्सटेंड हुई है। तो मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ, और उस वॉइस मैंने कुछ गलत कहा भी नहीं था, मैंने जस्ट उस वॉइस में ये कहा हुआ था कि असल में टेस्ट डेट एक्सटेंड होने से तकरीबन कुछ दिन पहले ही स्टूडेंट्स जो है वो फेसबुक के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ये कहना शुरू हो गए थे कि टेस्ट डिले हो गया। तो अफसर में हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो इस किस्म की मिसगाइडेंस से बचाने के लिए मैंने ये उनको कहा था कि अभी टेस्ट डिले नहीं हुआ, आप लोग किसी भी बात पर जो है वो यकीन ना करें, कान ना धरें, आप लोग जस्ट जो है वो वेबसाइट को फॉलो करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ही जो है वो ये सूरत हाल बहुत नाजुक होती है। अगर टेस्ट डिले ना हो और फेसबुक पे ये स्टूडेंट्स को पहले ही बताते फिरें कि यार टेस्ट डिले हो गया, अगर डिले ना हो तो फिर तो नुकसान तो स्टूडेंट्स कहना, ठीक है। अगर जो है वो मैंने जस्ट उस वॉइस में इतना कहा था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर जो है वो बिलीव करें, अगर वेबसाइट पर आया हुआ है कि हाँ जी डेट डिले हो गई है, टेक्स्ट एक्सटेंड हो गया है, तो आप लोग जो है वो उसको फॉलो करें, क्योंकि उस वक्त तक जिस वक्त स्टूडेंट्स फेसबुक पर ये कह रहे थे कि हाँ टेस्ट डिले हो गया, उस वक्त तक वेबसाइट पर किसी भी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था। तो ये वॉइस मैंने उस वक्त की थी, जो कि अभी जो है वो लोग यूज़ करके और कह रहे हैं कि ये लाइक स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहा है। और आप लोग खुद भी जो है वो समझदार हो, मैंने किसी को भी जो है वो मिसगाइड नहीं किया, ये मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सारा सिनेरियो पता है, क्योंकि आप लोग हमारे ग्रुप्स में हो। तकरीबन हम लोग 1200+ स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे पास वो एड्स हैं, यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें फॉलो करते हैं, हमने किसी भी किस्म की मिसगाइडेंस नहीं फैलाई, ठीक है। अगर ये बात मैं ना भी करता तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि बिलीव करते मेरे ऊपर, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि रिसेंटली KMU ने फिर जो है वो कुछ एडवर्टाइजमेंट शोज़ की हैं। बेसिकली वो एडवर्टाइजमेंट अभी टेस्ट से पहले उसका कोई भी काम नहीं है, ठीक हो गया, क्योंकि आपका 11th of September को टेस्ट है, उसके बाद का जो सारा प्रोसेस है ना, ये एडवर्टाइजमेंट उसके रिलेटेड है, ठीक है। आप लोग अभी जस्ट अपने टेस्ट पर फोकस करें, ठीक है, और इस वीडियो को जो है वो कम से कम लास्ट तक देख लें, ताकि आपको एक जनरल अंदाज़ा हो जाए कि टेस्ट के बाद क्या क्या किस किस प्रोसेस से आप लोगों ने गुजरना है, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो उस चीज़ के रिलेटेड थी। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को जब टेस्ट हो जाएगा 11th of September को इंशाल्लाह, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, आप लोगों ने क्या करना है और किस तरह से करना है, तो वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग काइंडली कर सकते हो, ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो KMU इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज हयातबाद पेशावर की बात करेंगे। हमारे पास फार्माडी की वो बात करें कि हमारे पास इसमें पहली बात चाहिए कि एनुअल सिस्टम होगा, ठीक है। बाकी जितने भी KMU में DPT है, बाकी BS प्रोग्राम्स तो होते ही लाइक सेमेस्टर सिस्टम है, DPT भी हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम ही है, लेकिन फार्माडी जो 5 ईयर प्रोग्राम है ये एनुअल सिस्टम है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास सिर्फ 100 है और ये सिर्फ पेशावर कैंपस में करवाया जाएगा फार्माडी, ठीक हो गया। अब जब आप लोग टेस्ट दे दोगे उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का टेस्ट कब है, 11th of September को है, ठीक है। 12 सितंबर को जो है आप लोगों के पास वेबसाइट पर फॉर्म्स आ जाएंगे, आप लोगों ने वो फॉर्म्स दोबारा फिल करने होंगे, ठीक हो गया। कहते हैं कि एडमिशन फॉर्म अवेलेबल ऑन KMU वेबसाइट, वो 12 सितंबर को आ जाएंगे, ठीक है। डेडलाइन है उसकी 30 सितंबर है, उसमें जस्ट आप लोगों ने अपने मार्क्स वगैरह ये वो डिसेंड डेट अपनी लाइक आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो, किस कैंपस में करना चाहते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने जस्ट पुट करनी होती है, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम लोग आप लोग हमारे साथ अपडेटेड रहें, ट्यून रहें, तो हम लोग वो भी साथ साथ आपको गाइड करेंगे बिल्कुल लास्ट तक। हम लोग आप लोगों को उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे
जब तक आप KMU में आ नहीं जाते, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप लोग वो करोगे, उसके बाद आप लोगों का जो है वो लास्ट डेट उसकी 30 सितंबर होगी, और आप लोगों की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो 7 अक्टूबर को लगेगी, ठीक है। और 7 अक्टूबर को लिस्ट लगेगी, उसके बाद जो है वो आप लोगों के इंटरव्यूज़ की लिस्ट आएगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के जो है वो 10 अक्टूबर को इंटरव्यूज़ होंगे, जो स्टूडेंट्स सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, लाइक जो टॉप ऑफ द मेरिट होंगे उनको वो इंटरव्यूज़ के लिए बुलाएंगे। फिर इंटरव्यूज़ में वो आप लोगों को जस्ट इंटरव्यूज़ में ऐसा होता कुछ भी नहीं है, जस्ट वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, और चीज़ें वगैरह, ये डोमिसाइल वगैरह और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। बाकी इंटरव्यू में ऐसा जिस तरह से इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो इंशाल्लाह वक्त आने पर हम लोग आपको बता देंगे। उसके बाद जो है वो इंटरव्यूज़ के बाद आप लोगों को जो है वो 2 से 3 दिन दिए जाते हैं, जिसमें आप लोगों ने अपनी फ़ीस सबमिट करनी होती है। और अगर 10 को इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो वो कहते हैं कि 13 अक्टूबर तक आप लोगों ने फ़ीस सबमिट करनी होगी अपने फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक हो गया। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होगा कि फ़ीस कितनी है, तो हमारे पास फ़ीस KMU में हमारे पास जो फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी होती है वो हमारे पास 47,800 फीस होती है, ठीक है। फिर बाद में सेकंड सेमेस्टर से आगे वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के पास डिफरेंट एडमिशन फ़ीस और ये सिक्योरिटी फ़ीस और ये वो डिसेंट एट बहुत सी उसमें चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, बाद में ये तकरीबन 5-6 हज़ार कम हो जाती है। नेक्स्ट आप लोगों की जो ओरिएंटेशन क्लासेस होती हैं वो हमारे पास 10 से 15 अक्टूबर के दरमियान में होंगी, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट आप लोगों को यूनिवर्सिटी का विजिट करवाया जाता है, ठीक है, और सारा शेड्यूल समझाया जाता है। आप लोगों की जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी, 17 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। और फूलिंग के लिए आप लोग लाजमी अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ, ठीक है, फूलिंग के बगैर किसी को हम लोग आगे जाने नहीं देंगे, वैसे जस्ट जो का पार्ट, ओके। हाँ, उसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स लाइक एडमिशन के लिए एलिजिबल है जिन्होंने हमारे पास प्री मेडिकल की होगी, और उनके अगर वो BS प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसमें BS एनेस्थीसिया है, BS MLT है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी है, कार्डियक परफ्यूजन है, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं BS प्रोग्राम्स, ठीक है, एक्सेप्ट DPT, BS प्रोग्राम जितने भी हैं उसके लिए आप लोगों को 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स DPT करना चाहते हैं तो उसके FSC में लाजमी जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा उसने और रिक्वायरमेंट ये बताइए कि आप लोगों के पास KPK का डोमिसाइल होना चाहिए, फाटा का होना चाहिए, और बलूचिस्तान डोमिसाइल होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रोवेंसेस वाले लाइक सिंध वाले, पंजाब वाले, ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी जो एडवर्टाइजमेंट मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ उन तमाम कैंपसेस के जो कि KPK में जो है वो आते हैं, ठीक है, इस्लामाबाद कैंपस को छोड़कर। जो पंजाब वाले हैं, सिंध वाले हैं, ये सारे हमारे पास इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई करेंगे, यहाँ पर वो लोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कुछ कोटा सीट्स हैं हमारे पास, 5% फॉरेनर्स के लिए, 2% सीट्स माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, 2% सीट्स डिसेबल स्टूडेंट के लिए हैं, 2% हमारे पास जो है वो स्वात, जिनके पास वो स्टूडेंट्स जिनके पास स्वात का डोमिसाइल है, ठीक है, और उनको स्वात कैंपस जो है ना वहाँ पर 2% उनका कोटा है, ठीक है, 2% सीट्स उनको मिलेंगी। और 2% सीट्स की हम जो फैकल्टी की है, लाइक वो स्टूडेंट्स जिनके फादर या पेरेंट्स में से कोई भी KMU में जो है वो जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी कोटा रखा गया है। और 60% हमारे पास जो वो स्टूडेंट्स जिनके पास कुरम का डोमिसाइल है, ठीक है, तो कुरम कैंपस में उनके लिए 60% सीट्स हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं शेड्यूल ऑफ एडमिशन द BS पैरामेडिक्स प्रोग्राम्स। तो इसके लिए हमारे पास कहते हैं कि एंट्री टेस्ट फॉर द सर्विस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। हाँ, आप लोगों के पास जो है वो जो इन सर्विस वाले स्टूडेंट्स हैं, या लाइक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइक वो किसी भी कोई भी डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ है, या अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो मैट्रिक के बाद जो है वो FSC नहीं करते, और डिफरेंट लाइक डिप्लोमाज होते हैं एनेस्थीसिया, हेल्थ, ये वो जैसे एंडेट ना, तो वो उन्होंने किया होता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अपना एक अलग टेस्ट होता है, ठीक है। और ये टेस्ट मैं बताता चलूँ, डिफरेंट स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होगा कि ये टेस्ट आता कहाँ से है। तो बेसिकली ये टेस्ट FSC सिलेबस से नहीं आता, ये उन्हीं सिलेबस से आता है जो कि उन्होंने डिप्लोमा के दौरान पढ़े होते हैं सब्जेक्ट्स, लाइक एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स में से आता है, ठीक हो गया। अब इनका जो टेस्ट होगा वो 3 अक्टूबर को होगा, ठीक है, उस टेस्ट का रिजल्ट 6 अक्टूबर को आएगा। उसके बाद उनकी प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट जो है वो 11 अक्टूबर को शो की जाएगी। फिर उसके बाद 13 अक्टूबर तक उनके पास जो है वो ऑप्शन होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट इस वक्त लगती है ना, तो उसमें बहुत सी गलतियां होती हैं, तो स्टूडेंट्स अपील कर सकते हैं कि उनके मार्क्स गलत लगे हुए हैं, या उनके नेम में मिस्टेक है, या
कुछ स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते वक्त कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते, तो वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट करने होते हैं, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो 13 अक्टूबर तक इन्होंने करनी है। फिर उसके बाद जो है वो इंटरव्यूज़ होगा शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स का, ठीक है। और इनका इंटरव्यूज़ होगा वो दुरानपुर कैंपस में होगा। बाकी जितने भी प्रोग्राम्स होंगे आप लोगों के, लाइक BS प्रोग्राम्स कोई भी है किसी भी कैंपस का, चाहे आप स्वात के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्वाबी के लिए कर रहे हो, या मर्दान कैंपस के लिए कर रहे हो, या किसी भी कैंपस के लिए कर रहे हो, आप लोगों के इंटरव्यूज़ हैं वो पेशावर में होंगे। लाइक जो मेन कैंपस है IPMR हैदराबाद में जो है, ठीक है, वहाँ पर इंटरव्यूज़ होते हैं DPT वालों के भी, फार्मर डी वालों के भी। लेकिन जो ये इन सर्विस वाले स्टूडेंट्स होते हैं या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ होंगे वो दुरानपुर कैंपस में होंगे, ठीक है, जो कि पेशावर में ही लोकेटेड है, लेकिन दुरानपुर वाली बिल्डिंग में, जहाँ पे पैरामेडिक्स वाले होते हैं। नेक्स्ट फाइनल सिलेक्टेड डेट्स, जो लाइक फाइनल जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी उनकी डेट, सॉरी उनकी लिस्ट 19 अक्टूबर को जो है वो डिस्प्ले की जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जो है वो सबमिट करनी है 21 अक्टूबर तक, और आप लोगों की जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो 24 अक्टूबर को जो है वो स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद है फॉर इन सर्विस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी कैंडिडेट्स, कहते हैं कि एडमिशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन 12th of September, ठीक है। लाइक अब हम लोगों ने बात तो कर ली कि 3 अक्टूबर को उनका टेस्ट है, तो 12 सितंबर से उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग 12 सितंबर से जो है वो अप्लाई कर सकते हो टेस्ट की रजिस्ट्रेशन, टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अब आप लोगों के पास 30 सितंबर हो गई, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 10 अक्टूबर को, इंटरव्यूज ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 12 अक्टूबर, आप लोगों ने फी सबमिट करनी होगी 17 अक्टूबर को, और आप लोगों की क्लासेस 24 अक्टूबर को जो है वो स्टार्ट होंगी। इनमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहाँ पर जस्ट न्यू यही है कि आप लोगों की जो लाइक टेस्ट की रजिस्ट्रेशन है वो 12 सितंबर से स्टार्ट होगी, और लास्ट डेट उसकी 30 सितंबर होगी, और आई थिंक 3 अक्टूबर को आपका टेस्ट है, वो पिछली स्लाइड में मैंने बताया, अभी तो मुझे खुद भूल चुका है, वो आप लोग देख सकते हो। बस यही था इनके बारे में। अब उसके बाद कहते हैं कि हाउ टू अप्लाई, सिंपल इज दैट आप लोगों ने जस्ट वेबसाइट पर जाना है कि MU की वेबसाइट पर, वहाँ पर फॉर्म फिल करना है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं, आपका नाम पूछेगा आप लोगों का, लाइक फादर नेम, CNIC, फ़ोन नंबर, लाइक आप लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आप लोगों के जस्ट मार्क्स पूछेगा, मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके एकेडमिक्स की, ये वो सेंड है, ठीक है। किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स वो अभी आपसे नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फ़ी स्लिप डाउनलोड कर लेनी है, उसको प्रिंट करवाना है, और आप लोगों ने 3000 फ़ी जो है वो सबमिट करनी है बैंक के अंदर। फिर वो फ़ी जो है वो उसको आप लोगों ने स्कैन करना है और दोबारा वेबसाइट पर अपलोड करना है जहाँ पर आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया था, ठीक है। और तकरीबन 2 दिन तक आप लोग वेट करोगे ताकि आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाए। बस यही सिंपल सा प्रोसीजर है। इन दिस एंड में आप लोग जो है वो टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप लोगों के पास है सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पिक्चर है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोगों को ये मिल गई होगी। जस्ट इसमें जो है वो उन्होंने सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन का बताया कि कौन से प्रोग्राम की किस किस कैंपस में कितनी कितनी सीट्स हैं। ओवरऑल टोटल की MU में सारे कैंपसेस को मिलाकर, इस्लामाबाद कैंपस का पता नहीं इसमें है या नहीं, टोटल 2100 सीट्स हैं, ठीक है। अब वो कौन से डिसिप्लिन की कितनी है या किस कैंपस में कितनी है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो ये था सारा प्रोसीजर जो कि आप लोगों के टेस्ट के बाद का प्रोसीजर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सिंपल इज दैट आप लोगों का जिस वक्त टेस्ट होता है ना, मेन टेस्ट, वो तो आप लोगों का 11 सितंबर को है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो है वो दोबारा एडवर्टाइजमेंट यही वो आ चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्म फिल करना होता है दोबारा से, और दोबारा से फ़ी सबमिट करनी होती है। लास्ट ईयर एक प्रोग्राम के लिए 750 फ़ी उन्होंने ली थी, ठीक है। और अगर 2 प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करते तो आपकी फ़ीस 1500 होगी। इस तरह से आप लोगों ने फ़ी सबमिट करनी होगी, ठीक है। और आप लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, मर्ज़ी आप जितने में करो, लेकिन उसके जितने प्रोग्राम्स आप ज़्यादा सेलेक्ट करोगे तो उतनी फ़ी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। लाइक एडमिशन फ़ी की बात कर रहा हूँ, सॉरी रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात कर रहा हूँ, एडमिशन फ़ी की बात नहीं कर रहा। उसके बाद दोबारा फिर आप लोगों की प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट लग दी है, फिर उसमें आपको 1-2 दिन दिए जाते हैं कि आपका अगर मार्क्स गलत लगे हुए हैं लिस्ट में, या नेम गलत है, या कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सबमिट नहीं किया, तो वो आपने करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, जिसको हम लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट कहते हैं। फिर उसमें जो टॉप वाले स्टूडेंट्स होते हैं उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। फिर उनका इंटरव्यूज़ होता है, इंटरव्यू मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरव्यू किसी भी किस्म के, लाइक और कुछ भी नहीं पूछा जाता, जस्ट सिंपल आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप लोगों की DMCs, आप लोगों का डोमिसाइल, इस तरह की चीज़ें आपसे वो जस्ट लेते हैं और वेरीफाई करते हैं, दैट इज़ इट। और आपको सीट देते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन से कैंपस में या किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, ठीक है। आप लोगों ने वो चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, फिर वो आपको क्या करते हैं कि फ़ी स्लिप दे देते हैं।
ठीक है, जो कि आप लोगों ने अगले 2 से 3 दिनों में सबमिट करनी होती है। ठीक है, फीसें सबमिट करने के बाद आप लोगों ने जिस कैंपस में आप, उसमें 3 होती है ना फीस स्लिप्स, एक आप लोगों, एक बैंक, 4 होती हैं बल्कि, एक बैंक वाला रख लेता है, एक आपने अपने पास रखनी होती है, एक आप लोगों ने उधर मेन कैंपस में देनी होती है, और एक आप लोगों ने जो है वो जिस कैंपस में आपका एडमिशन हुआ है उधर सबमिट करनी होती है। हमारी मर्ज़ा तो इस तरह था कि पेशावर में भी सबमिट करनी थी और उस कैंपस में भी करनी थी जो जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है, लेकिन पिछली मरतबा इस तरह से नहीं था। लाइक आप लोगों ने जस्ट वहाँ पर ही फी स्लिप सबमिट करनी थी जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है, 3 ही स्लिप्स थी, बस ये होता है। बस उसके बाद आपकी सीट कन्फर्म हो जाती है और आप लोगों ने जो है वो क्लासेस के लिए जाना था, यही सिंपल सा प्रोसीजर होता है। ठीक है, एडमिशन के लिए कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।